हेलो पीपल, प्राचीज है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इसके बावजूद कि अब 2000 के नोट चलन से बाहर हो चुके हैं, ये बात है सन 2004 की। नहीं, सन 2004 में तो मैं हुई थी। डिमोनेटाइजेशन तो 2016 में हुआ था। ये बात है 8 नवंबर 2016 की, जब डिमोनेटाइजेशन के तहत 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। तब ऐसे में लोगों के बीच भारी कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार 2000 के नोटों को चलन में लाई। अब जब कैश फ्लो फ्रिक्वेंट हो गया है तो 2000 के नोटों की घर वापसी हो रही है। क्या सरकार को इससे कोई फायदा है? अगर आपके पास 2000 के नोट कम मात्रा में है तो आप बिना कोई दिक्कत के बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2000 के नोट ज्यादा मात्रा में है तो ऐसे में बैंक आपसे पूछ सकती है कि इतना अमाउंट आपके पास कहां से आया। यदि आपके पास आपकी इनकम का हिसाब है तो ठीक, नहीं तो आपको इस पर टैक्स भरना पड़ सकता है। यदि आप अपने नोट सोना, चांदी या जमीन खरीद कर ठिकाने लगाना चाहते हैं तो ऐसे में भी उन पर लगने वाले टैक्स के रूप में सरकार को आपसे टैक्स मिलेगा। कुल मिलाकर 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने से सरकार को ना सिर्फ टैक्स में इजाफा होगा, काला धन यानी कि ब्लैक मनी बाहर आएगा, बल्कि फेक करेंसी यानी कि 2000 रुपए के नकली नोट जो कि खुद इंडिया और आसपास की कंट्रीज से मार्केट में फैल रहे थे, उस समस्या का भी समाधान होगा। यदि आपके पास 2000 के नोट हैं तो क्या करें? मेरी बात मानो, मुझे पता नहीं था यार। यदि आपके पास 2000 के नोट हैं, तो आप उन्हें 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। आप एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदल सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।